राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 549-550 के आसपास मैं वीडियोज आप तक पहुंचा चुका हूं। और लक्ष्य क्या है, भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपने आप को निशावर किया, निष्काम, स्वार्थ रहित, और निशावर ऐसे ही गर्दन रख के गर्दन कटवा दी, ऐसे नहीं भाई। अंग्रेज की सशक्त ताकतवर सरकार को उसको उसकी भाषा में सशस्त्र चुनौती देने वाले क्रांतिवीर और वीरांगनाओं का इतिहास, नायक और नायिकाओं का इतिहास, मैं उन सबको आपके सामने ला रहा हूं जो अज्ञात है, उनको इतिहास के अंदर कहीं भी दर्शाया नहीं गया, दिखाया नहीं गया। और ऐसी एक लंबी श्रृंखला मैंने आपके सामने रखी है, आगे ये श्रृंखला और बहुत बड़ी होने वाली है। आज जिन क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूँ और उसी पंक्ति के साथ खड़ा कर रहा हूँ जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहुत कर दिया, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में स्वयं को पूरी तरह से निशावर कर दिया। ऐसे ही एक वीर श्री कन्हाही लाल भट्टाचार्य, श्री कन्हाही लाल भट्टाचार्य और एक और श्रीमती कल्याणी देवी, मुझे लगता है लगभग 100 के आसपास में वो क्रांति वीरांगनाएं नायिकाएं भी मैं आपके सामने ला चुका हूं, लगभग एक से एक बढ़कर। अभी चलते हैं कन्हाही लाल भट्टाचार्य जी किस तरह का अपना योगदान दे रहे थे उस क्रांति यज्ञ के अंदर। न्यायमूर्ति आर आर गार्लिक उस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे जिसने 2 फरवरी 1931 को दिनेश गुप्त नाम के क्रांतिकारी को फांसी का दंड सुनाया था। दिनेश गुप्त ने क्या किया था, कलकत्ता में पुलिस इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर सिंपसन को उसके कार्यालय में ही गोलियों से भून डाला था। हाँ, वही न्यायमूर्ति गार्लिक महोदय 27 जुलाई 1931 को अपने इजलास में एक मामले की सुनवाई में व्यस्त थे। वह ये नहीं देख सके कि एक दुबला पतला युवक कब एक दरवाजे से इजलास में प्रविष्ट हुआ और गवाह के कटघरे में आके खड़ा हो गया, गवाह के कटघरे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपना रिवॉल्वर निकाला तथा न्यायमूर्ति मिस्टर गार्लिक को निशाना बनाकर 2 दाग दी, जिसने दिनेश गुप्त को फांसी का दंड सुनाया था, वही न्यायमूर्ति मिस्टर गार्लिक। 2, एक पहली गोली तो खाली चली गई और पर दूसरी गोली न्यायमूर्ति महोदय के मस्तक में लगी और वे अपनी कुर्सी से लुढ़क गए। इजलास में सीआईडी का एक सिपाही नागरिक वेश में उपस्थित था, उसके पास भी रिवॉल्वर था, उसने अपनी गोली उस युवक पर छोड़ी लेकिन वो निशाना चूक गया। अब इस युवक ने, जिस युवक का अभी तक नाम नहीं आपके सामने आ रहा,
अब इस युवक ने एक गोली उस सिपाही पर दाग दी जो उसके कंधे में लगी और वह वहीं भूमि पर गिर गया। एक सार्जेंट और भी अदालत में उपस्थित था। उसने अपने रिवॉल्वर से दो गोलियां इस युवक पर छोड़ दी। दोनों गोलियां इस युवक के शरीर में ही लगी और वह भूमि पर गिर गया। घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। ये युवक बलिदान हो गया। न्यायमूर्ति गार्लिक को अस्पताल भिजवाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। न्यायमूर्ति गार्लिक की हत्या करने वाले युवक की जेब में एक कागज पेपर पाया गया जिस पर लिखा था, दिनेश गुप्त को अन्यायपूर्वक फांसी का दंड देने का पुरस्कार मृत्यु से ही प्राप्त कीजिए। और नीचे नाम लिखा था विमल गुप्त। ये दिनेश गुप्त का भाई था भाई, ये भी क्रांतिकारी था। और आगे चलें जरा, अब विमल गुप्त नाम लिखा है लेकिन ये मृत युवक का चित्र अखबारों में छपवा कर उसकी सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। परिणाम स्वरूप मालूम हुआ कि इस युवक का वास्तविक नाम जो है वो किनाही लाल भट्टाचार्य था और वह बंगाल के 24 परगना के माजिलपुर का रहने वाला था। किनाही लाल भट्टाचार्य अदालत में घुसना, रिवॉल्वर के साथ घुसना और दिनेश गुप्त की फांसी अन्यायपूर्ण, उसकी जो दंड सुनाया गया उसका बदला लेना। वहाँ सिविल वेश में भी एक है, सर्जेंट भी है और सबके साथ इतना सारा मुकाबला करना और ये सब करते हुए सबको पता होता था कि भी जान तो जाएगी जाएगी। हर क्रांतिकारी जानता था देश की आज़ादी के लिए जो काम कर रहे थे, लेकिन उनको शौर्य और वीरता के नए इतिहास लिखने थे, नए पृष्ठ लिखने थे और बाकी युवकों के लिए एक प्रेरणा का कारण बनना था, प्रेरणा का केंद्र बनना था। ये बात दूर दूर तक जाए और पता चले कि किनाही लाल भट्टाचार्य ने क्या किया दिनेश गुप्त का फांसी का बदला लेने के लिए। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, इसका मतलब किनाही लाल गुप्त के दिनेश गुप्त के साथ तो होगा ही होगा। विमल गुप्त का लिखा वो पत्र इसकी जेब में था, इसका मतलब विमल गुप्त से ही आज्ञा लेके रिवॉल्वर लेके ये गया होगा। चलिए कहानी तो जितनी मर्जी बड़ी कर लो, सुन लो, सुना लो, लेकिन मोटे रूप में हम समझ सकते हैं किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने अपना जीवन आहुत किया इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इनका कहीं कोई नाम इतिहास में नहीं आया। अब चलते हैं एक नायिका वीरांगना, एक महिला क्रांतिकारी श्रीमती कल्याणी देवी। श्रीमती कल्याणी देवी एक उच्च शिक्षा प्राप्त महिला थी, उन्होंने एमए पास किया हुआ था, एमए तक पढ़ाई की हुई थी। अपनी पढ़ाई के दिनों में ही उन पर क्रांति का रंग चढ़ गया था। प्रकट रूप में तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, प्रकट रूप में कई सत्याग्रह आंदोलन के अंदर उन्होंने भाग लिया और सन 1931 में गिरफ्तार भी हुई। उन्हें 8 महीने जेल में रहना पड़ा। सन 1933 में श्रीमती कल्याणी देवी के पास एक तमचा बरामद किया गया
और इस आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, श्रीमती कल्याणी देवी को। लेकिन उनके विरुद्ध कोई मुकदमा उस प्रकार का गंभीर नहीं बन सका, उन्हें फिर से छोड़ दिया गया। लेकिन खबरें तो पहुंच रही थी भाई ये महिला बहुत खतरनाक है। मैंने कई एपिसोड के अंदर बंगाल ऑर्डिनेंस का जिक्र किया है, जिस भी क्रांतिकारी को कोई दंड देना होता था पकड़ के, कुछ भी बंगाल ऑर्डिनेंस एक बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था। इसी बंगाल ऑर्डिनेंस एक्ट के अंतर्गत, ऑर्डिनेंस के अंतर्गत उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। और कई वर्षों तक वो जेल में रही, कई वर्षों तक। और अब की बार जब उनको जेल में डाला गया तो कठोर कारावास का दंड सुनाया गया, जो जान दे रहे थे, जो फांसी पर झूल रहे थे, जो काला पानी में मर खप रहे थे, जो जेलों के अंदर लंबी यातनाएं सहन करते हुए दम तोड़ रहे थे, और जो लंबी ये श्रीमती कल्याणी देवी का, जैसे मैंने बताया आपको किस प्रकार से वो अपनी आयु वर्ग की महिलाओं को और युवा लड़कियों को, युवा महिलाओं को किस प्रकार से वो क्रांतिकारी बना रही थी। इसने पिस्टल नहीं चलाई, लेकिन सारी और जिनको वो ट्रेंड करती थी उनको पिस्टल सिखाती थी और भी बहुत कुछ सिखाती थी। ऐसे कितने ही लोग इस क्रांति यज्ञ में आहूत हो गए, तब जाके कहीं हमें क्रांति मिली, आजादी मिली। और मैंने कई बार कहा है कि जब ये बताया जाता है कि नहीं नहीं आजादी तो चरखे से मिली, अहिंसा से मिली, सत्याग्रह से मिली, अरे भाई 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 6 घंटे जाके वो सब निश्चित होता था। और वो सत्याग्रही जो थे वो अंग्रेजों की योजना के अनुसार जाते थे और उसके अनुसार बाहर आते थे। उन सत्याग्रहियों को तो छोड़िए, नेहरू और गांधी को कब जाना है और कब वापस आना है ये तय होता था। इनकी जेलें भगत सिंह चंद्रशेखर वाली जेलें नहीं थी भाई। चंद्रशेखर तो खैर कभी पकड़े ही नहीं गए, उनका तो एक ही नारा था कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। और अलाहाबाद के, प्रयागराज के उस अल्फर्ड पार्क में किस प्रकार का पुलिस से सामना करते हुए, पुलिस के साथ मुकाबला करते हुए, आखिरी गोली से कैसे, किस प्रकार से वो अपने आप को, उन्होंने जब देखा कि अब मैं, मेरे पास अब अमनुष्य नहीं बचा, ऐसे अनंत असंख्य नायक और नायिकाओं ने देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान किया, तब कहीं जा करके। और आखिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का जो हमला था और जो जल सेना का विद्रोह था और थल सेना के विद्रोह की चर्चाएं हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश कमजोर पड़ चुका था, आर्थिक दृष्टि से भी अंदर से वो खोखला हो चुका था, उसके अपने कारण थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 का तो कुछ दिनों के अंदर बंद हो गया था, नेता पकड़ लिए गए थे। लेकिन उसका कुछ लाभ उठा करके कुछ क्रांतिकारियों ने उन सत्याग्रहियों में शामिल होके जो कुछ वो कर सकते थे, अंग्रेजों को हिलाने की, उनको भय मुक्त नहीं भय युक्त करने की, उनको भी पता चले कि भारत का नौजवान अब हमें छोड़ेगा नहीं, ऐसा एक माहौल पूरे देश के अंदर, देश विदेश में क्रांति वीरों ने, क्रांतिकारियों ने, वीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के, अरे क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर,
आप कहते हो कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी, जिस कांग्रेस को बनाया अंग्रेज ने, इटावा के कलेक्टर सर एओ ह्यूम ने, अरे बनाया था अपने सुरक्षा कवच के लिए, आज़ादी देने के लिए नहीं। और आज़ादी कांग्रेस ले भी नहीं सकती थी क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य आज़ादी प्राप्त करना नहीं था। कितने सालों के बाद और लाहौर के 1929 में जाकर के एक वो भी कहने लायक, चूंकि क्रांतिकारियों का पूरे देश के अंदर बोलबाला हो रहा था, केवल कहने लायक कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। अरे भाई, बाल गंगाधर तिलक का जब ये कहा गया कि आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी नहीं हुई। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस तो उनके साथ कभी नहीं खड़ी हुई। कांग्रेस तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ ही नहीं खड़ी हुई। हाँ, इन पापियों ने, इन दुष्टों ने, गद्दारों ने, कांग्रेस ने और कांग्रेस के अंग्रेजों के वो खरीदे हुए नेहरू ने जो प्राइम मिनिस्टर बने और जिनको सत्ता सौंपी गई, उन्होंने एक पाप और किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन का सौदा किया, अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट किया, कह रहे तुम तो जा रहे हो लेकिन सुभाष अगर हमें जिंदा और मुर्दा मिलेगा तो हम आपको सौंप देंगे। और ये कहते हैं कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी, और बाकियों को पूछते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे थे। ये लोग कहेंगे कि वीर सावरकर ने ये किया और वो किया, उनके पाँव की मैल भी ये लोग हो नहीं सकते, पाँव की छोटी उंगली का सौवां हिस्सा भी ये लोग हो नहीं सकते। दो जन्म का काला पानी का कारावास, घोर नार किए, और उस समय भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट अंग्रेज था, भारत की ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। कांग्रेस ने आजादी लेके दी, नेहरू ने आजादी लेके दी। अरे गांधी उनको सूट करता था और नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए टूल किट के रूप में गांधी को प्रयोग करना था। ऐसी बातें कुछ समय समय पर मैं आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। मेरे इस लिमिटेड समय में, सीमित समय होता है मेरे पास, लेकिन ऐसे कई मैं नेहरू के पाप आपके सामने ला चुका हूँ, कांग्रेस के ला चुका हूँ, गांधी भी के भी आज तक उसके बिखेरे हुए कांटे जो आज तक उठाने पड़ रहे हैं। चलिए, उन गद्दारों को भी समय समय पर मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इस चैनल के माध्यम से उन अज्ञात जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, ऐसे क्रांति वीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का मेरा ये प्रयास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।